ਫਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਨੇ ਅੰਨਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਆ ਅੱਛਾ ਮੀ ਆਉਆ चल पकड़ो फातिमा काबू कर के काबू हवा बहुत तेज है चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से आज कितना सुहाना मौसम बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं अभी तो, और बारिश भी लगता है कि आएगी क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और वो भी स्याह पानी से भरे हुए। तो आज हमारी ये है गाँव में बारिश की रूटीन। अभी हम अपने जो किचन है ना इसको ढाँप रहे हैं क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया है, बारिश आए तो सारी इसकी मिट्टी जो है ना उतर जाती है, फिर जब भी मौसम खराब हो पहले हम इसको ढांपते हैं। फातिमा उधर से पकड़ो, जल्दी करो जल्दी, बारिश आ रही है। चलो फातिमा आपको करना ही नहीं आता, आता है आपकी जो गुड़िया है वो देखो कैसे उड़ रही है। ये फातिमा की हमने बनाई शापर की गुड़िया, फातिमा इसे खेल रही थी अभी। अभी मैंने जो ऊपर तिरपाल चढ़ाई है अभी भाई उसको बांध रहे हैं क्योंकि मुझसे ठीक तरह से बांधी नहीं जानी थी, इस वजह से हवा भी काफी तेज चली हुई है और अब बारिश भी पड़ रही है। और ये फातिमा की शापर की हमने गुड़िया बनाई है, फातिमा कैसे उड़ रही है देखो, फातिमा से उड़ाई नहीं जाती। ये लो फातिमा पकड़ लो, बारिश ज्यादा हो रही है, अंदर जाना है। चलो ठीक है अंदर चली जाओ, इसको मजबूती से पकड़ना ठीक है ऐसे करके। चलो जाओ अंदर भाग जाओ, अब तो हवा जो है ना बर्दाश्त से भी ज्यादा होती जा रही है और बारिश भी साथ में तेज हो रही है। फातिमा भी अंदर जा रही है, फातिमा और मैं आ गए अंदर, क्यों अंदर भी बहुत ज्यादा अंधेरा है, कोई चीज नजर नहीं आ रही, लाइट भी नहीं है और बादल आए हुए हैं, इस वजह से सारा अंधेरा छाया हुआ है। वैसे टाइम तो अभी दोपहर का ही था जब बादल आए थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसा कि शाम हो गई हो। अभी बादल जाना गरज रहे हैं और हमारे जो मवेशी हैं वो भी बारिश में नहा रहे हैं, गर्मियों की बारिश है तो इनके लिए फायदा मंद है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, वो चारा भी खा रहे हैं और साथ में नहा भी रहे हैं। ये इधर पानी खड़ा हुआ है और पानी में बुलबुले बन रहे हैं, इसको देखकर बचपन के दिन याद आते हैं, ऐसे बुलबुलों को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं बचपन में तकरीबन सभी, और पकड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इनको पकड़ा नहीं जा सकता। इधर वाले मवेशी जो है ना वो भी नहा रहे हैं और गरज से पहले चमक आती है, उससे मुझे बहुत ही डर लगता है। बारिश तो अभी काफी ज्यादा हो गई है, मैं अभी गिरने ही वाली थी बस बच गई हूँ। वैसे गर्मियों की बारिश है इस वजह से हम बारिश में नहा भी रहे हैं और जो चीजें समेटने वाली रहती हैं वो भी देख लेते हैं। और इधर से पानी जा रहा है नीचे,
या दरख्तों वाली साइड पे कर देते हैं ताकि ये पानी दरख्तों को लगे और वो नशनुमा पा सके। और माशाल्लाह वो सब्जी का भी पानी लग रहा है, वो भी नहा रही है। इसके पत्ते बिल्कुल सब्ज हो जाएंगे, जब बारिश रुकेगी तो ये ज्यादा प्यारे लगेंगे। वैसे अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ये दरख्त। और लीमू का पौधा जो है ना, वो भी नहा कर खड़ा हुआ है। और पुदीना हमने अंदर जो लगाया था वो भी माशाल्लाह से अब सही हो रहा है, क्योंकि आज बारिश भी आ गई है और पानी भी इसको रोज लगाते हैं। बारिश के पानी से ज्यादा अच्छे नशनुमा पाते हैं जो पौधे हम लगाते हैं या दरख्त वगैरह, क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत होती है बारिश इस वजह से। अभी मैं आ रही हूँ अंदर, क्योंकि सारे कपड़े भी गीले हो गए हैं और मोबाइल भी गीला हो रहा है। अंदर आ जाते हैं, अंदर से देखते हैं बारिश का नजारा। बारिश से सारा नजर आ रहा है, मिट्टी जो है ना वो उतर रही है दीवारों से और सारी घुल घुल के आगे जा रही है पानी में। पर नाले का पानी भी नीचे आ रहा है और किस प्रेशर से आ रहा है, और बादल के गरजने की भी आवाज़ें आ रही हैं। माशाल्लाह से काफ़ी बारिश हो गई है। पहले तो हवा ही चलती थी तेज़, काफ़ी दिनों से रात को आंधी आता था, लेकिन आज दिन को बादल आए हैं और माशाल्लाह से बारिश भी हो गई है। हर चीज़ धुल गई है और अभी माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 मिनट हो गए हैं, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। आज तो अंदर भी गर्मी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ठंडा मौसम है तो ठंड लग रही है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं। आज बारिश आ जाए तो ठंडा मौसम बन जाता है, लेकिन बारिश आने से पहले और बारिश जाने के बाद उबस बनता है, वो फिर ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। बारिश के साथ इतनी तेज़ हवा भी चल रही है, आज तो हो गई है तूफ़ानी बारिश हमारे गांव में। और तिरपाल जो है ना वो भी लगता है कि आगे पीछे हो गई है, हवा तेज़ है ना इस वजह से, और पानी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। और सब्ज़ी जो है ना वो भी लहलहा रही है, उसको भी ताज़ा और ठंडा पानी मिल रहा है। हवा तो माशाल्लाह इतनी ठंडी है ना कि गर्मी महसूस ही नहीं हो रही। और इस तरफ है नीम का दरख्त, वो कितना प्यारा लग रहा है, आज बारिश से धुल गया है, बिल्कुल सब्ज लग रहा है। ये शहतूत जो है इनसे भी ज़्यादा वो सब्ज लगता है। सब्ज चीज़ जो है ना वो बहुत ही प्यारी लगती है, और जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो कहते हैं कि सब्ज पत्ते जो है ना वो कब्रों के ऊपर रखें तो गुनाह झड़ते हैं, तो इसलिए इनको अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत बनाया है। जी तो अभी माशाल्लाह बारिश रुक गई है और देखें ये सारा मौसम अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है। और फातिमा, फातिमा क्या कर रही है? मर्चां सही कर दी पई, ऐसे सलाम कर। और खतीजा उधर क्या कर रही, चूल्हे पे क्या बना रही है? अभी सालन बनाया जा रहा है, धुआं बहुत ज़्यादा है तो ऐसे ना जैसे सर को चढ़ गया। हवा अभी भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। आज भूख भी बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि ठंड है, ठंड में ज़्यादा भूख लगती है, तो मैंने कहा कि शाम होने से पहले पहले खाना बना लिया जाए, क्योंकि लाइट भी नहीं है, शायद हो सकता है कि आज आए भी ना। सालन किस चीज का है? आज आलू बना रहे, क्योंकि आज कल जो आलू है ना वो भी बहुत महंगे हो गए और खाने का दिल भी बहुत करता है। आज मैंने कहा चलो आलू का सालन बना लिया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारे हमने कलर किया था, ये रंग किया था, तो उसका बारिश ऊपर पड़ी, पानी फिर गया। तो चलो आज की वीडियो इधर ही खत्म कर दें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी व्यूअर्स ने
खाना खाना और आलूओं के साथ हमारे पास आकर खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। वो भी बारिश के मौसम में। हाँ जी।